Dear student, this is 10th class. Today we will discuss question number 2 of the same exercise 5.3 of the same chapter AP, that is arithmetic progression. This question number 2 ko aaj hum simplify karne wale hain, solve karne wale hain. The question is here, find the sums given below. Given below हमारे पास arithmetic progression से उनका हमें sum देखना है. यहाँ पे first part में हमारे पास जो given arithmetic progression सम में दैट इज 7 + 21/2 + 14 + 1 up to + 84 यहां भी हमारे पास लास्ट टर्म क्यों है लेकिन मालूम नहीं है कितनी टर्म्स का सम में देखना है उसके लिए हमें सबसे पहले एन का वैल्यू ढूंढना है सो दैट वी गेट द सम ऑफ दीज टर्म्स क्योंकि हमें पता नहीं है कितने टर्म्स का सम लेना है यहां पे डैश 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 अननोन है वी डोंट नो ये कौन सी टर्म है ये हमें पहले पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है 84 ये कौन सी टर्म है इसके लिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स टेकिंग एन इज इक्वल टू 84 बट एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो हमने पिछले एक लेक्चर में डिस्कस किया था That is a plus n minus 1 into d, it is equal to 84. As n is equal to a plus n minus 1 into d. ये हमारे पास formula है. Next term. Now we have a, d का हमें value पता होना चाहिए. a का value हमारे पास 7 है. d का value हमें मालूम नहीं है. वो हमें यहीं से मिलेगा. Here a is equal to A हमारे पास है A is equal to that is 7 and D is equal to that is second term minus first term that is 21/2 - 7 that is equal to simply 21 - 14 taking LCM divide 2 यहाँ पे 2 multiple होगा divide में भी 2 आएगा that is 14/2 it is 21 - 14/2 That is equal to D हमारे पास 7/2 है 21 में से 14 चला जाएगा We get here D is equal to 7/2 Now we get the value of N here Taking it Therefore We have here A is here 7 plus N minus 1 into D D is 7/2 It is equal to 84 ये हमारे 7 राइट साइड में जाएगा आर दैट इज एन माइनस 1 इंटू 7/2 इट इज इक्वल टू 84 - 7 आर एन माइनस 1 इंटू 7/2 इट इज इक्वल टू 84 में से 7 चला जाएगा दैट इज 14 में से 7 दैट इज 7 यहां पे 7 रहेगा और नीचे आएगा 77 Now we get here that is n minus 1 it is equal to 2 multiple hoga that is 77 into 2 divided by 7 7 1s are 7 11s are that is we get here 22 this implies n is equal to minus 1 right side mein jayega it becomes plus 1 that is 21 plus 1 that is 20 22 plus 1 that is 23 That is, यहां पे हमें 23 टर्म्स का सम चाहिए नाउ एज वी नो बाय प्रीवियस लेक्चर वी नो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल ए प्लस एल बाय एल इज द लास्ट टर्म L is the last term. A last term over. Last term. That is, it is the nth term. Yeah. Taking the values here, Sn. N ka value hamare paas 23 hai. That is, S 23. 23 terms ka sum hame chahiye. That is, 23 divided by 2. 23 divided by 2. Into A. A is here. Hamare paas A ka value 7 hai. प्लस एल का वैल्यू हमारे पास है लास्ट टर्म का वैल्यू हमारे एन का वैल्यू हमारे पास है 84 ये आ गया इट इज इक्वल टू दैट इज 23/2 ये हमारे पास दैट इज 7/4 दैट इज 11 दैट इज 91 आएगा
दैट इज इक्वल टू, इसे मल्टीपल होगा यहां पे, दैट इज टू, वन हजार टू, टू फोर हजार एट, टू फाइव हजार पॉइंट फाइव, ये हमारे पास होगा. नाउ मल्टीपल दिस इनटू, दैट इज 23 इनटू फोर फाइव पॉइंट फाइव. नाउ मल्टीपल हियर, वी गेट हियर एस 23, इट इज इक्वल टू, दैट इज 45.5 इनटू 23. We get here 3 5s are 15, 3 5s are 15, that is 16, 3 4s are 12, 13, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 11, 2 4s are 8, 9. We get here S3 is equal to 5, that is 6, that is 4, that is 9, 10, and point ho gaya. ये हमारे पास इसका सम होगा, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, सॉरी सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसी तरह सेकेंड पार्ट जो है इसको भी हम इसी तरह सिंपलीफाई कर लेंगे. हियर a इज इक्वल टू 34 एंड d इज इक्वल टू, d हमारे पास है दैट इज 32 माइनस 34 विच वी गेट माइनस 2. Common difference is here minus 2 and first term is 34. And we have here last term, that is L is equal to, that is AN, which is equal to 10. But AN is equal to, this implies A plus N minus 1 into D is equal to 10. Substitute value of D and A here. We get here, that is A is here 34 plus n minus 1, ये हमें n का वैल्यू चाहिए, d इन इक्वल माइनस 2, इट इज इक्वल टू 10. ये हमारे पास इस तरह होगा. नाउ सिंपलीफाई दिस और इट इज 34, ये राइट साइड में जाएगा, इट बिकम्स n माइनस 1 इंटू माइनस 2, इट इज इक्वल टू, ये जब राइट साइड में जाएगा इट बिकम माइनस 34, में से 10 चला जाएगा, देयर इज माइनस 24. और n माइनस 1 इज इक्वल टू 20 माइनस 24 डिवाइड माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 हजार 2 12 हजार. एंड राइट साइड में जाएगा, सॉरी माइनस 1 राइट साइड में जाएगा, इट बिकम्स प्लस 1, वी हैव हियर n माइनस 1 इक्वल टू 12. जब माइनस 1 राइट साइड में जाएगा इट बिकम्स पॉजिटिव, दैट इज n वी विल गेट हियर, दैट इज 12 प्लस 1, दैट इज 30. This means we have to find here the sum of 13 terms of this arithmetic progression. Therefore, S 13 जो हमें चाहिए, that is equal to, वो हमारे पास है, n by 2 into a plus l, n by 2, that is 13 by 2 into a plus l, a is here 34 plus l, l is 10. That is equal to 13 by 2 into 34 plus 10, that is 44. 2 1s are 2, 2s are 2, 2s are 13, 2s are 26, to carry 13, 2s are 26, 28. ये हमारे पास इसका सम होगा. इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया. इसके और दो पार्ट से डियर स्टूडेंट्स, उनको आप एज होम असाइनमेंट घर पे ही कर लेना. अगर कोई प्रॉब्लम होगी डियर स्टूडेंट, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी फायदा हासिल कर सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.